कौन से बागी? तो जितने लोग भी को भाजपा में गए हैं तो बागी नहीं, बागी तो पार्टी के अंदर वाले लोग होते हैं, वो तो बिके हुए विधायक है, वो तो बिके हुए विधायकों को आप थोड़ा डिफाइन करें ना। तो सर बागियों से लगातार जो बयानबाजी और नोकझोंक है वो चल रही है, कब तक ये सोशल मीडिया पे चलता रहेगा? बागी कौन से बागी? तो जितने लोग भी को भाजपा में गए हैं तो बागी नहीं, बागी तो पार्टी के अंदर वाले लोग होते हैं, वो तो बिके हुए विधायक, वो तो बिके हुए विधायकों को आप थोड़ा डिफाइन करें ना। बागी होते पार्टी के अंदर ही रह के बात करना, और जो पार्टी छोड़कर बिक जाते हैं उन्हें बिके हुए विधायक करते हैं। मुझे उनकी नोकझोंक का कोई जवाब नहीं देना, मुझे तो ये कहना है कि इस धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में जितना काम मैंने पिछले 14 महीने में खुद देख रेख में किया, मैं जब यहाँ 10 दिन के लिए ठहरा, मैंने स्मार्ट सिटी के सब प्रोजेक्टों को अप्रूवल दी जो पिछले 5-6 सालों से नहीं हो रही थी, और खुद प्रोजेक्ट को देखता था। ये जो बिका हुआ विधायक धर्मशाला के हैं, ये तो आते ही बहुत कम थे, विधानसभा भी बहुत कम, घर के पास विधानसभा बहुत सब अटेंड करते थे, फ़ोन पर कहते थे कि इसको एक्शन लगा दो, हम उनके फ़ोन पर एक्शन लगा देते थे, फ़ोन पर कहते थे SDM लगा दो, हम उसके फ़ोन पर SDM लगा देते, फ़ोन पर कहते थे चीफ इंजीनियर लगा दो, चीफ इंजीनियर लगा देते, जो भी काम कहते थे फ़ोन पर कभी धर्मशाला के विकास की बात नहीं करते। मैंने कहा कि हमने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया, धर्मशाला में मैं और सुंदर पार्क बनाना चाहता हूँ, कभी नहीं कहा। आज ये इस बात को लेकर आप उनसे सवाल पूछो कि धर्मशाला के लोगों ने 5 साल के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी चुनकर भेजा था, हाथ का निशान लेकर भेजा था, इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं है उनका। अगर उनका अपना व्यक्तित्व होता तो फिर वो बीजेपी जिनके द्वारा वो खरीदे गए हैं, 1 महीना प्रदेश से बाहर नहीं रहते भाई। चलो राज्यसभा में आपकी नाराजगी मेरे साथ हो सकती थी, आप राज्यसभा में आपने खिलाफ वोट डाल दिया, लेकिन राज्यसभा में खिलाफ वोट डालने के कारण डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। फिर अगले दिन वो पंचकुला चले गए क्योंकि किश्त आधी मिली होगी, जब आप बताओ पंचकुला क्यों गए? आप रह जाते कोई करता? आप विधायक है 6 पंचकुला के, चलो फिर पंचकुला के बाद फिर अगले दिन हेलीकॉप्टर में आए, 1 हेलीकॉप्टर आया, 2 हेलीकॉप्टर आए, CRPF वाले आए। तो भारतीय जनता पार्टी जिन्हें जो ऑपरेशन लोटस किया वो महाराष्ट्र में सफल हो गया, कर्नाटका में सफल हो गया, और दिल्ली में भी केजरीवाल को बेचारे को सफल करने की कोशिश कर रहे, लेकिन यहाँ उनका सफल नहीं हुआ। फिर प्रदेश की बाउंड्री में अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि चोरी की है तो डर तो लगता ही है, किसने रोका था? फिर कभी ऋषिकेश घूमते रहे, कभी गुड़गांव गए, कभी पंचकुला गए, और 1 महीने बाद आए कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो। वो भारतीय जनता पार्टी के जो बेचारे कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को जिंदा रख के कर रहे हैं, वो 14 महीने पहले तो उनको गालियां देकर वो चुनाव जीतना चाह रहे, अब उनको कह रहे हैं। पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत पैसा है, अब सुर्खी बिंदी के साथ का रेट ज़्यादा बढ़ा देना, ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए। जब ये पैसे बांटेंगे तो उनसे पैसे भी लेना, और पैसे कम देंगे तो बोलना ज़्यादा दें, क्योंकि राजनीतिक रूप से जिस प्रकार की ये बात करते हैं। और ये भी कहना इनको कि जब जनता के वोट से जुड़कर जो सरकार बनती है, और जिसमें मैं एक आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री बना, उनकी इतना आदर सम्मान किया, लेकिन इन्होंने उस आदर सम्मान की कदर नहीं की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो धर्मशाला के बिके हुए विधायक है, फ़ोन करते थे, मैं उनका हर कार्य करता था, और उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उसी पार्टी के आधार पर उनका जो रुतबा बना, आज उस पार्टी को आप बेचकर, अपना ईमान बेचकर चले गए। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, जो पैसे के दम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं उनको सबक सिखाने की है, और जो जनता के वोट की कदर नहीं करते उनको सबक सिखाने की है। इस लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की सीट चुराई है, इसका मुकाबला सरकारें नहीं कर सकती, इसका मुकाबला आम जनता करती है, जनता का बल करता है। जब चुनाव आएगा तो 6 विधानसभा सीटों में,
और चार लोकसभा जो सीटें हैं, एक राज्यसभा की जगह अगर आप चार लोकसभा की सीटें जिताकर भेजोगे तो ही सही मायने में जनता का लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र को पैसे से खेलने वाले लोगों का को जवाब सही जवाब दिया जाएगा।